Assalamualaikum and a very good morning. जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सैयद आर्मला हसन. उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मजे में होंगे एज यूजुअल. और रमजान आपका अच्छा गुजार होगा. आज वीकेंड है तो बहुत सारे लोगों के इफ्तारी के प्लान होंगे, तो आपकी इफ्तारियाँ सारी अच्छी गुजरी और सहरी भी. नॉर्मली जब भी आप सोशल मीडिया देखें लोग ज़्यादातर सहरी पे मौजूद होते हैं, और वाकई सहरी और उसका इफ्तारी का टाइम कुछ इस तरह से होता है कि आप सहरी ज़्यादा प्रेफर करते हैं. अच्छी जी, आगाज़ करेंगे शो का बकायदा तौर पर एज यूजल, और रिसर्च आपके साथ शेयर करेंगे क्या हो रहा है जी. अच्छा, कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं हमारी ज़िंदगी में जो हमें कुछ ना कुछ इनोवेटिव करने का मौका देती है, और ऐसा ही कुछ हुआ ये 12 साल लड़के के साथ. एक दफ़ा इनकी मदर जो है, इनका जो चाइना से इनका ताल्लुक है, इनकी मदर ने इनको कहा कि इन्होंने कपड़े बाहर सुखाने में डाले तो अगर बारिश का खतरा हो तो वो कपड़े उतार लेना. लेकिन ये 12 साल का बच्चा जो है ये भूल गया कि इसने कपड़े उतारने, और वह जब बारिश हुई तो कपड़े भीग गए. लेकिन भीगी हुई बारिश में उनके मदर ने आके उनको अच्छा खासा डांटा, तो उन्होंने उनको इस तरह की जो कह लें एक ईजाद करने का मौका दिया कि उन्होंने सोचा कि ये दोबारा अगली बार इस डांट से बचने का कोई तरीका या कोई हल सोचना चाहिए. और उसका हल ये निकाला कि इन्होंने एक ऐसा रैक तैयार किया जो बारिश में जब उस पर बारिश के कतरे पड़ते हैं तो या तो वह सुकड़ जाता है, और जब वो बारिश नहीं हो रही होती तो ये फैल जाता है. ये जी अपनी माँ की डांट खाने के बाद ये किया, डांट खाने के बाद ये जो ईजाद हुई, उन्होंने एक रैक जैसे मैंने आपको बताया बनाया. कई माँ की मेहनत के बाद उन्होंने ये रैक बनाया जो इनकी वालदा और वालिद और सातजा की मदद से उन्होंने कहा कि बारिश में खुद ब खुद सुकड़ने वाला रैक बनाया जाए. और फिर जब मदद मिली तो ये रैक बिलाखिर तैयार हो गया. इसकी वर्किंग जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जब ये रैक जो है ये बारिश आने पर सुकड़ जाता है और इस पर लगी जो शीट है वो फैल जाती है, जबकि बारिश खत्म हो तो ये जो शीट है दोबारा से सुकड़ जाती है और रैक पहले की तरह फैल जाता है. इस रैक की तैयारी में इन्होंने कई जो सेंसिटिव सेंसर्स हैं उनका इस्तेमाल किया है. पानी के कतरों का पता चलाने वाला सेंसर, जबकि बारिश का पता जो चलाता है जिससे रैक सुकड़ और जो शीट है वो फैल जाती है, जबकि रोशनी का पता चलाने वाला सेंसर भी, ताकि अगर बारिश नहीं हो रही तब भी आइडिया हो ये रैक अपनी नॉर्मल पोजिशन पर आ जाए. तो मुकाबला जिसमें इन्होंने अपना ये प्रेजेंट किया तो इस के जो जज थे वो इनके इस ईजाद से इतने इम्प्रेस हुए कि इन्हें फर्स्ट प्राइज़ तो मिला ही. और ये 12 साल लड़का जो है इसकी ख्वाहिश है कि इसको तजारती पर्पसेस के लिए भी इस रैक को इस्तेमाल करें, ताकि दुनिया भर में उसके टैलेंट को पहचाना भी जाए और साथ साथ लोगों के काम भी आ सके. तो वाकई कुछ इंटरेस्टिंग सी ईजाद है. और वही बात कि जब आपके सर पर कोई चीज़ पड़े ना, जब आपको डांट पड़ी हो तब कुछ ना कुछ आपके माइंड में, लेकिन बहुत सारे जो लोग होते हैं वो उसको पॉजिटिव नहीं लेते. इस बच्चे ने इसको पॉजिटिव लिया और उसने अपनी डांट से बचने का आसान तरीका निकाला. आसान तो नहीं, खैर खासा मुश्किल होगा. कई अरसे की मेहनत के बाद बिलाखिर ये रैक बन गया. अच्छी जी, अगली रिसर्च और ये है जनाब ऑस्ट्रेलिया के हवाले से. ऑस्ट्रेलिया में आपको नहीं आइडिया, वैसे मुझे भी नहीं आइडिया था, रिसर्च पढ़ने के बाद आइडिया हुआ कि वहाँ पर जिस तरह के ज़खायर हैं, कुदरती ज़खायर, वो बहुत ज़्यादा हैं, और उनके जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पर स्पेशली. अच्छा जी, एक शख्स हैं, ये ऑस्ट्रेलियन शख्स हैं, इनको सोने की तलाश हमेशा से रहती थी और ये अक्सर उन इलाकों का विज़िट भी करते रहते थे ऑन ऑफ. लेकिन इनको बिलाखिर तकरीबन 1.4 kg जो वजनी है सोने का एक पत्थर मिल ही गया. शौकिया तौर पर सोने की तलाश करने वाले ये जो ऑस्ट्रेलियाई शहरी हैं, इन्होंने धातु का सुराग लगाने वाले जो कि आम आला है जिसे आप मेटल डिटेक्टर भी कहते हैं, इसकी मदद से तकरीबन 1.5 kg जो वजनी और 18 इंच लंबा सोने का पत्थर जो है वो ढूंढ निकाला है. ये ऑस्ट्रेलियन सिटीजन पत्थर के, इन्होंने इस पत्थर को एक ताजर को दिखाया और उन्हें इस बात की तस्दीक की कि सोने के पत्थर की जो कीमत है वो तकरीबन 1 लाख ऑस्ट्रेलियाई यानी कि डॉलर्स में है, जो कि 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए के बराबर बनती है. इन इलाकों से सोने के ज़रात मिलते रहते हैं, जो मैं नॉर्दर्न एरियाज की बात करी थी ऑस्ट्रेलिया के, यहाँ पर इतना वजनी, अलबत्ता इससे पहले इतना वजनी और इतना बड़ा सोने का पत्थर कभी नहीं मिला. ऑस्ट्रेलिया की जो यूनिवर्सिटी है उसने, उनके प्रोफेसर्स का कहना है कि जो इनके इलाके हैं जो जिनकी मैं बात करी थी वो मादनियात से मालामाल है, जहाँ मुख्तलिफ धातुओं के ज़खायर मौजूद हैं जिनमें सोना भी शामिल है. यही वजह है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग दूर दराज इलाकों से आते हैं. और प्रोफेसर्स का ये भी कहना है कि यहाँ पर जो सोने के पार्टिकल्स तो मिलते थे, लेकिन ये पत्थर का मिलना एक हैरानकुन बात तो है ही. और इस हवाले से ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को कुछ इकदाम करने चाहिए, ताकि कुदरती वसाइल और मादनियात की मदद से इनकी जो
ओवरऑल इकॉनमी उसको बेहतर किया जा सके। तो लिहाजा ये कुछ इंटरेस्टिंग सा था कि बहुत अरसे की तलाश के बाद इनको 1.5 kg वजनी ये सोने का पत्थर मिला। अच्छा जी, इनोवेशंस, आइडियाज, एग्जीक्यूशंस की हम बात कर रहे हैं तो अभी कुछ हुआ कि हवा में ड्रोन और ज़मीन पर कार बनने वाला ये एक ड्रोन तैयार कर लिया गया है, रोबोट इनफैक्ट। और ये रोबोट जो है इजरायली एक यूनिवर्सिटी है वहाँ पर रिसर्च हुई और उन्होंने एक ऐसा ड्रोन बनाया जिसने कुछ माह कब पानी में तैरने और हवा में प्रवास करने वाले ड्रोन का जब तस्करा आया था तो अब ऐसा ड्रोन बनाया जो हवा में प्रवास तो करता है लेकिन जैसे ही ज़मीन पर लैंड करता है तो ये कार की तरह इसके पहिए खुल जाते हैं और जो उसके पहिए हैं वो बन के और ये रोड पर ट्रेवल भी करना शुरू कर देता है। इसे एफ स्टार का नाम दिया गया है जी और ये यूनिवर्सिटी के माहिरी ने ड्रोन को एक कार में तब्दील करने का कामयाब मुजाहरा भी किया है। इस पर चार किस्म की वो जो आप कह लें एंगल्स बनाए गए हैं या जिनको हम पंखड़ियाँ कह सकते हैं जो इनको फैन जो इनको उड़ने में मदद फराहम करते हैं और ड्रोन किसी भी सिमत बासानी परवास कर सकता है लेकिन इसके बाजुओं के चारों घूमते पहिए भी नस्ब हैं जिस पर ब्रशेस की टाइप की मोटर लगी हुई है जो इसे पहियों की सूरत में चलाती हैं और कार जो है 8 मिनट फी सेकंड की रफ्तार से दौड़ती है और इसका जो अमली मुजाहरा है वो वीडियो में देखा भी जा सकता है। 8 फीट फी सेकंड की रफ्तार से दौड़ती है और ज़मीन पर आती ये जैसे ही पहियों की शक्ल अख्तियार कर लेता है और इस तरह किसी भी रुकावट की सूरत में ये आगे बढ़ती रहती है और छोटी मोटी रुकावटों को ये जो ड्रोन या रोबोट कह लें ये बूर भी कर लेता है और एक बार चार्ज होने पर ये 20 मिनट तक अपनी पोजिशन में रहता है यानी कि हरकत पर रहता है और इस किसी भी खुदा न खास्ता हादसे की में कुछ रेस्क्यू ऑपरेशंस में इसके कामों को इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा तंग जगहों पर भी बासानी ये 400 किलोग्राम वजनी अशिया दवा या खुराक उठाकर लेकर जा सकता है। ये माहरीन का कहना है कि अगले फेज़ में इस पर मज़ीद रिसर्च और इसकी एफिशिएंसी पर मज़ीद काम किया जाएगा ताकि इसकी कारकर्दगी और इसकी रफ्तार को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। तो आज जवेरिया हमें बताने वाली हैं कि मिनरल्स का यानी मादनियात का जो लॉस है उसको किस तरह से पूरा किया जाए तो जवेरिया से ही जानते हैं। जी जवेरिया, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस के बारे में। इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस यानी नमकियात की कमी, अक्सर औकात मौसम बदलने के साथ साथ स्वेटिंग यानी कि बहुत ज़्यादा पसीना आना या उसके अलावा एक्सेसिव यूरिनेशन, मोस्ट प्रोबेबली बहुत से ऐसे चांसेस बनते हैं जब आपकी कीमोथेरेपीज हो रही होती हैं या आप में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग से या एक्सेसिव ब्लड लॉस से भी आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली नमकियात को कहा जाता है और नमकियात में हमारे पास सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये तमाम चीज़ें आती हैं। जैसे कि पाकिस्तान एनरिच्ड है बहुत से फ्रूट्स वेजिटेबल्स पे जहाँ पे हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वैसे तो उसको ओवरकम किया जाता है पर मोस्ट प्रोबेबली वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा मतलब चले जाते हैं देयर इनटू द इन दिस सिचुएशन तो उनको इंट्रावीनस तरीके से भी फ्लूइड्स लगाए जाते हैं। उसके अलावा डिफरेंट और मेथडोलॉजीज़ भी होती हैं पर अगर खुराक से आप अपने न्यूट्रिशनल इम्बेलेंसेस को सेटल डाउन करना चाहें तो वो आपका सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एक डायरेक्ट और बड़ा इंस्टेंट सोर्स है अपनी बॉडी के नमकियात को, इलेक्ट्रोलाइट्स को पूरा करने का। नंबर वन, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध से बनी हुई मतलब दूध या दूध से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं, दही, लस्सी या फिर उसके अलावा चीज़, योगर्ट, ये तमाम चीज़ें नमकियात से एनरिच्ड होती हैं, लोडेड होती हैं। आप जब भी अपनी डाइट में ऐड करते हैं इंस्टेंटली आपका सोडियम लेवल बॉडी में एलिवेट कर जाता है और आपकी बॉडी न्यूट्रलाइज हो जाती है। उसके अलावा मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि सेकेंडली जैसे कि हमारे पास कोकोनट वाटर है यानी नारियल का पानी बहुत ज़बरदस्त होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए इंस्टेंटली। खजूर, डेट का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, इट्स मतलब 300 कैलोरीज होती हैं खजूर में पर इंस्टेंटली अगर आपका शुगर लेवल ड्रॉप डाउन हुआ है या आपके मिनरल लॉस हुआ है, पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीशियम कम हुआ है तो वो उसको बड़ा ज़बरदस्त सेटल डाउन करता है। ब्लैक सॉल्ट, काला नमक जब भी आप या पिंक सॉल्ट जब भी आप उसको मतलब मिनरल सॉल्ट की, पिंक सॉल्ट की और ब्लैक सॉल्ट की अपनी एक अफादियत है और ये बॉडी में वाटर रिटेंशन को भी जहाँ ख़त्म करता है वहीं पे जब आप इनको फल और सब्जियों या अपनी फ्रूट चाट में ऐड करते हैं तो उससे भी आपकी डाइजेशन में हेल्प आउट होता है।
यहाँ पे बताती चलूँ कि मिंट का जो पानी होता है, जो पुदीने का पानी होता है, उसका सिंपल आप पानी लें या उसका जूस ले रहे हैं तो वो भी डाइजेशन में भी हेल्प आउट करता है और आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी सेट करता है मोस्ट प्रोबेबली एंड स्पेसिफिकली गर्मियों में और बदलते मौसम में. बदलते मौसम के साथ साथ जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट आपके फ्लूइड लॉस हो रहा होता है वहीं पे हमारे पास खरबूजा आ जाता है, यानी मेलन्स आ जाते हैं, वाटरमेलन का इस्तेमाल आ जाता है, ककम्बर्स आ जाते हैं यानी खीरा आ जाता है. और इन तमाम चीज़ों में जब आप थोड़ा सा पिंक सॉल्ट या ब्लैक सॉल्ट या उसके अलावा थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड करते हैं या लेमन ऐड करते हैं तो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और भी फोर्टिफाइड हो जाती है. और जब भी आप किसी चीज़ की फोर्टिफिकेशन की बात करते हैं तो इट्स लाइक दैट, इट नॉरिश योर बॉडी. और नॉरिशमेंट आपकी बॉडी को जब गज़ाइत मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, तो आपकी बॉडी फ्यूल अप हो रही है. और जब बॉडी फ्यूल अप होती है तो आप पे कभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी से या बहुत ज़्यादा तनाव से, स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन से एकदम आपको स्वेटिंग, प्रेस्परेशन होती है, तो उस सिचुएशन में आपके इलेक्ट्रोलाइट आपको रेस्क्यू करते हैं. सो आपको चाहिए कि फल, सब्जियों और उसके अलावा मिनरल वाटर्स, जैसे कि डिटॉक्स वाटर्स हो गए, रेड येलो ग्रीन और कोकोनट वाटर, या जिस हमारे पास जितनी सब्जियां या फल जिनमें से हम पानी का सूट ले सकते हैं, जितनी हद तक हो सके हम अपना मिनरल कॉन्टैक्ट पूरा कर सकते हैं. टोमेटोज़ का इस्तेमाल बहुत हद तक आरामद साबित होता है. टोमेटोज़ आप सैलड में ले सकते हैं, आप उसका जूस ले सकते हैं, पर आप उसको हमेशा पील करके इस्तेमाल करें क्योंकि उसकी स्किन में मौजूद टॉक्सिन्स आपकी किडनी के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल नहीं होते. या मैं बताती चलूँ कि वो लोग जो कि अपनी जो कि हंगर और अपने स्टारवेशन मोड पे रहते हैं, अक्सर उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्वेट करती है और उनको भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है. सो आप चाहे फिजिकल एक्टिविटी में या आप मसल वेट गेन कर रहे हैं, आपके पास तकरीबन मतलब कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड. डेली की मिकदार में आपका सिर्फ पानी, आप सिंपल पानी मत कंज्यूम करें, आप उसको नॉरिश कर दें, उसको फोर्टिफाई कर दें डिफरेंट हेल्दी न्यूट्रिएंट्स के साथ. जैसे कि आप उसमें ऐड कर सकते हैं सिट्रस फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, चकंदर, पालक, पुदीना, शक्कर का एक चम्मच, थोड़े से उसमें ब्लैक या पिंक सॉल्ट ऐड करें ताकि वो एक पैक्ड एंड लोडेड विद अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स और विटामिंस के साथ एक एनरिच्ड वाटर बन जाए, या आपका एक फुल आपको पानी की भी आपकी जो गजाई कमी है उसको भी पूरा करे और जो आपकी बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है उसको भी सेटल डाउन कर सके. जी बिल्कुल, रमज़ान में ऑब्वियसली आपका इलेक्ट्रोलाइट मिनरल लॉस होता ही है, तो उसके लिए उसको कवर करने के लिए अच्छी गजाएँ और अच्छी जो कह लें पानी की मिकदार आपने कंज्यूम करनी है, चाहे उसमें आप नमकियात को ऐड करें और सिकंजीन का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन है, इवन फ्रेश जूसेस आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं. तो लिहाजा अफ्तारी के वक्त, इनफैक्ट अफ्तारी के बाद भी पानी को ज़्यादा पिएं, इस्तेमाल करें, क्योंकि गर्मी का मौसम भी है तो रोज़ेदारों को फिर पीना भी बहुत ज़रूरी है. अच्छा जी, मौसम अच्छा है या आइंदा आने वाले दिनों में अच्छा हो जाएगा, इस उम्मीद के साथ हम ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे. आप देखते रहिए जागोलाहौर. वेलकम बैक यू जागो लाहौर. ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब, और अभी जो हम डिस्कशन करने वाले हैं बहुत मज़ेदार एक चीज़ की डिस्कशन भी होगी और कुछ स्पोर्ट्स के हवाले से भी होगी. जिमनास्टिक को आज हम डिस्कस करेंगे और उसके लिए हमारी दोनों गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, और हमारे साथ बिलाल अकील जो हमारे रिपोर्टर हैं स्पोर्ट्स के, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं. बिलाल, वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच कमिंग. अच्छा जी, अभी ये कैमरा जब कट होगा तो फिर आपने पहचानना है कि ये दोनों एक जैसी क्यों लग रही हैं. अच्छा जी, हमारे साथ हैं मारुख और महा, और जब हम ब्रेक से पहले आ रहे थे, ये दोनों ट्विन सिस्टर्स हैं और आइडेंटिकल हैं आई गेस, और उसी वजह से हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो बड़े कंफ्यूज हुए. थोड़ी देर पूछे थे इनमें से मारुख कौन सी है, महा कौन सी है. मैंने कहा आपके चक्कर में मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ. कैसी हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक ठाक हैं. बिल्कुल ठीक ठाक. मुझे बताएं मारुख और महा, आपस में तो आप दोनों की शक्ल मिलती है, घर वाले कैसे पहचानते हैं? इजीली पहचान लेते हैं, उन्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होती. बाहर वालों को तो होती होगी, बाहर वालों को बहुत ज्यादा होती है. अच्छा, आवाज में थोड़ा सा फर्क है, अब आपने कहा है तो मैं तो शायद नोटिस करना चाहती हूँ. अच्छा जी, मुझे ये बताएं जिमनास्टिक प्लेयर है दोनों, कब से करी है, आगाज कैसे हुआ? हमारा सिक्स क्लास में हुआ था स्टार्टिंग. टीचर वैसे ही ऑडिशन ले रही थी नीचे ग्राउंड में, वैसे ही ऑडिशन में ये आपने परफॉर्मेंस देनी थी, फ्रंट और बैक आपने करी है. तो हम दोनों ने वहाँ जाके फ्रंट और बैक किया, एंड देन हम सिलेक्ट हो गए. ये कि स्कूल फिर हम लोगों ने 9 और 10 में नहीं किया, क्योंकि उस तरह की फैसिलिटीज हमें स्कूल में नहीं दी जा रही थी, टाइम वेस्ट हो रहा था हमें लगता था हमारा. उसके बाद जब हम कॉलेज लाइफ में आए
दोबारा से स्टार्ट की क्योंकि क्रेज आया था और लगता था कि हम कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी थी। अच्छा मारूफ मुझे ये बताओ क्योंकि अभी जैसे वहाँ बता रही कि आप लोग तब से कर रहे हो तो इसमें तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा चाहिए, तो आपकी नाचरी दोनों का इस तरह की अल्लाह ताला ने खसूसियत? नहीं, हम दोनों में बिल्कुल हम फ्लेक्सिबल नहीं थे, सब ये एक्सरसाइज की वजह से हुए। हमने अच्छा। स्टार्टिंग से एक्सरसाइज स्टार्ट की पहले, उसके बाद हमने जिमनास्टिक स्टार्ट की है, और नहीं ये स्टार्टिंग से बस एक्सरसाइज की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी आई है। ठीक हो गया, बिलाल गिफ्टेड नहीं, गॉड गिफ्टेड नहीं है, अच्छा एक्सरसाइज से सब कुछ हुआ है। ठीक हो गया, अभी हम एक्सरसाइज भी जानेंगे कैसे कि बिलाल इनकी अचीवमेंट्स, क्योंकि रमता सिक्स क्लास से जिमनास्टिक में है, तो क्या इन्होंने रिसेंटली खेला और मेडल्स वगैरह क्या? जी अभी इन्होंने रिसेंटली 72nd पंजाब गेम्स हुई थी जो कि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के अंडर हुई, उसमें इन्होंने जिमनास्टिक में परफॉर्मेंस दी। उसके अलावा ये इस्लामिया कॉलेज कूपर रोड में जो है इनका एडमिशन हुआ हुआ है, ये दोनों वहाँ पर भी अपना जिमनास्टिक वगैरह करती हैं। उसके अलावा दोनों ने ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किया है, और इसके अलावा ये जो गेम है इसमें आपको मतलब इसमें काफ़ी कैटेगरीज आ जाती हैं, जिसमें मैटिंग है, वॉल्ट है, बेंच, उसमें पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल बार है, पैरेलल बार है, तो ये काफ़ी इसमें कैटेगरीज आ जाती हैं। लेकिन इसमें सबसे पहली चीज़ होती है कि आपकी स्ट्रेचिंग आपकी होनी चाहिए, अगर आपकी स्ट्रेचिंग बेहतर होगी तो उसमें आपको ज़्यादा आपका जो अच्छी जिमनास्टिक कर सकते हैं। तो ये दोनों जो हैं इनका ये है, ये एक तो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, दूसरा इनकी परफॉर्मेंस जो थी पंजाब गेम्स में उसको बड़ी अप्रिसिएशन मिली, क्योंकि इन्होंने अलग अलग तरह की स्ट्रेचिंग्स की वहाँ पर, अलग अलग तरह की जिमनास्टिक, एरोबिक्स में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो ये काफ़ी एक अच्छा जेस्चर था। ख़ास तौर पे हमारी अपनी पंजाब गेम्स थी, ये पंजाबी कल्चर है, उसमें इस तरह की चीज़ों को शामिल करना तो मेरे ख्याल से कुछ इंटरेस्टिंग मतलब वो भी करेंगी आपको। हाँ वो तो भी हम डेफिनेटली इनसे देखेंगे। अच्छा बिलाल अभी जैसे ये दोनों अभी इन्होंने कहा कि 19th पे इन्होंने स्किप किया क्योंकि इनके पास प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं थी, और जिमनास्टिक के हवाले से पहले भी प्लेयर हमारे पास आई है वो कहती थी फैसिलिटीज़ का बहुत ज़्यादा फुकदान है। 1958 में जो है वो हमारी पाकिस्तान की फेडरेशन जो है बनी वुमेन की, जिसको दो एक थे गुलाम कादिर और गुलाम फिरोज़, ये दो थे जिन्होंने इसको स्टार्ट किया, और चलते 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 इसको वो सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम इसे इलीट क्लास में लेकर जाएं। वो बड़े बड़े क्लब्स में गए, जैसे जिमखाना क्लब हो गया, रॉयल पाम हो गया, हॉलीडे, ऐसी ऐसी जगहों पे गए कि हम वहाँ से जाके कुछ क्रीम लेकर आएं ताकि वो लोग इस गेम पर इन्वेस्ट कर सके। लेकिन वो वहाँ से तो इस चीज़ में नाकाम हो गए। लेकिन उसके बाद जब ये हमारी लोकल जो वुमेन है ये इसमें आई, तो अभी फैसिलिटीज़ देखें तो हमारे यहाँ पर 2 से 3 क्लब्स हैं जो एक्टिव हैं, उसके अलावा बाकी जो कर रहे हैं वो अपने बलबूते पे कर रहे हैं। जैसे वो निदा खान जो है तो वो किंग्स जिमनास्टिक की थी, वहाँ पे वो करती हैं, उनका सामान भी आपको बताया कि ओपन एयर पड़ा रहता है, ठीक है, उसमें बारिश होती है, उसमें मतलब अब जैसे फॉर्म है उसमें बारिश हुई है वो तो गीला हो गया, उस पर तो आप फिर प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते। तो इसी तरह ये जब फैसिलिटीज कॉलेज लेवल पे तो हमारे बिल्कुल भी नहीं है, स्कूल लेवल कॉलेज लेवल पे तो इस चीज़ का तसव्वुर भी नहीं कर सकते आप। यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके आप कुछ इसके बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि जीसी यूनिवर्सिटी है वो लोग आपको इसमें एडमिशन देते हैं, उनके वहाँ पे एक बड़ा अच्छा इसका स्पोर्ट्स का बना भी हुआ है जहाँ पे वो इसमें जाकर ये जो खवातीन है इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। और इसके अलावा मॉल टाउन में एक दो क्लब्स बने हुए हैं वहाँ पे। इसके अलावा हुकूमत की तरफ से मैंने देखा कि सिर्फ इनको बुला लेते हैं, हौसला अफजाई नाम की कोई चीज नहीं। ऐसा ही है, क्या मतलब किस तरह की आप लोग जो आपकी फेडरेशन है या आपको प्रैक्टिस के लिए क्या प्रॉपर जगह मिली है या कुछ इस तरह से? नहीं, भी नहीं। वजह क्या है, आप लोगों ने कंप्लेन नहीं की? आपके साथ और भी लड़कियां हैं जो बहुत ज्यादा थी लेकिन उन्होंने छोड़ दिया सिर्फ इसी वजह से क्योंकि कोई फैसिलिटीज हमें दी नहीं जा रही, हमें ये लगता कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है हर जगह। स्कूल में तो खास तौर पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ है, जो सीखा हमने सब घर में सीखा, कोई हमने क्लब जो आपने एक्सरसाइज वगैरह या जो आपने प्रॉपर कोच हायर किया वो आपने खुद से किए? खुद ही से, खुद सब खुद किए। और ये फिर भी अचीवमेंट करी है उसके बावजूद किसी गवर्नमेंट ऑफिसर या किसी डिपार्टमेंट ने, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, इनके फेडरेशन ने इनको हेल्प नहीं किया? ये अभी मैंने इनसे पूछा तो ये बताती हैं कि इन्होंने सारा कुछ जो अभी खुद भी बता रही हैं कि घर में सीखा। अब घर में सीखना और इस लेवल पे आना मेरे ख्याल से ये एक बड़ी अचीवमेंट है, और एक ये आपके जो टैलेंट है ना इसी तरह घरों में छुपा हुआ है।
बहुत सारे बच्चे तो इसी डर से अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से आगे नहीं आ पाते, बहुत सारे अगर अफोर्ड कर लेते हैं तो अक्सर लोग तो इसी वजह से बैकअप हो जाते हैं। बिल्कुल, हमने बहुत से बच्चे देखे हैं, हमने बहुत से बच्चे देखे हैं जो आते हैं आके सिर्फ गेम को देख रहे होते हैं दूर से, वो कहते हैं कि हम भी खेलना चाहते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं इनकी हालत देखते हैं तो हम खुद भी डर जाते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको अच्छी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, आपके पास अच्छी वो चीज़ें होनी चाहिए, ख़ास तौर पे जिसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है, फॉर्म जो आपको होना चाहिए वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी पूरी बॉडी ने रिवॉल्व करना है और आपके पास मार्जिन नहीं है किसी गलती का किसी फ्लॉ का, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व है, खुदा ना खासा आपकी लाइफ टाइम इंजरी हो सकती है। लाइफ टाइम इंजरीज बहुत से प्लेयर्स की होती हैं और उन्हें मतलब जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उन्हें तो उनकी फेडरेशन और उनकी गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर फिजिशियंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह इन्होंने घर में प्रैक्टिस किया है, खुदा ना खासा कोई भी इनको अगर कोई स्ट्रेचिंग का मसला हो जाए। लिगामेंट इंजरी सबसे खतरनाक इंजरी होती है, क्योंकि उससे मैं खुद भी गुजर चुका हूँ। अच्छा। तो वो एक ऐसी इंजरी है कि उसमें से रिकवर होते होते आपको साल, दो साल, तीन साल भी लग जाते हैं, और उसमें यह है कि आपकी नौबत जो है वो ऑपरेट तक आ जाती है, कि अगर आपका ऑपरेट हो उसके बाद भी जाके आपकी जो है फिजिकल फिटनेस नहीं सही हो सकती है। अच्छा मुझे ये बताएं, फिजिकल फिटनेस के लिए मारुख किस तरह की एक्सरसाइज आप लोगों ने की, किस तरह की डाइट, स्ट्रेचिंग के लिए क्या करते रहे? सिर्फ एक्सरसाइज की है, कोई हमने डाइट तो नहीं की शुरू से, जस्ट एक्सरसाइज हम लोगों ने, दोनों ने बहनों ने की है, और डाइट नहीं, शुरू से कभी भी हमने डाइट नहीं ली। ठीक है, आप बताएं माहा किस तरह की एक्सरसाइज आप? एक्सरसाइज ये कि अगर स्ट्रेचिंग की है तो हमने लेग्स पे ज्यादा, क्योंकि मुझे ना ज्यादा स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा पसंद है, तो स्टार्टिंग में ही हमने लेग्स की ज्यादा एक्सरसाइज की है, हर जगह बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, हार्ड वर्किंग की है, जस्ट एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज के बाद डाइट, किसी किस्म की कोई डाइट नहीं, बिल्कुल डाइट बिल्कुल भी नहीं। ठीक हो गया। अच्छा जी, कुछ आप हमें यहाँ पे दिखाएंगी? जी बिल्कुल, हमारे पास चूंकि ये स्पेस है तो मैं चाहूंगी बारी बारी आप लोग जाएं और फिर कुछ कर लें। ठीक है, चलो ठीक है। वाओ, जबरदस्त जबरदस्त। ये इसके लिए प्रैक्टिस और सारा कुछ, दिन में कितना टाइम आप लोग इस पे सर्व करते हैं? वन आवर काफी होता है। तो अभी जो गेम्स है उनमें पार्टिसिपेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अभी हमने फिलहाल तो पंजाब स्टेडियम में किया था, इसके अलावा भी नहीं है, नहीं एक्सपीरियंस अभी अच्छा था, नहीं है, लेकिन जो पंजाब स्टेडियम में था वो बहुत ज्यादा अच्छा था। अच्छा था, एक्सपीरियंस भी अच्छा था, हमारी प्रैक्टिस सब कुछ बहुत ज्यादा। अच्छा फिलहाल फॉर्चुनेटली पंजाब गेम्स में जिमनास्टिक को रखा गया, ये भी बड़ी बात है, वरना अक्सर स्पोर्ट्स माइनस कर दिए जाते हैं। बहुत से इसमें खेल जो है वो खत्म किए गए, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में इस वक्त 50 प्लस स्पोर्ट्स हैं जो खेली जाती हैं, लेकिन सबसे ऊपर जो है वो क्रिकेट होती है, उसके बाद जो है वो सारी स्पोर्ट्स आती हैं। और फिर जो क्रिकेट का हाल होता है, कल बिलाल आपने देखा, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया, और खासतौर पर हमारे कैप्टन जो है सरफराज, वो तो ऐसे लग रहा है कि बहुत ही थके हुए थे हमारे सारे प्लेयर्स, मतलब उस वक्त से लग रहा था बहुत थकावट हुई भी इनको सफर की और ये लोग आए हुए, और हमारे लिए मुल्क में सिर्फ क्रिकेट ही रह जाता है, एट द एंड बाकी जो इस तरह का टैलेंट है वो कहीं पीछे है। भी आपने देखा कि हाँ। जी बिल्कुल, मैंने स्कूल लेवल में भी क्रिकेट की प्लेयर रही हूँ, एक साल जस्ट, तो वहाँ पर एक्सपीरियंस मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं था, धूप में काम करवाते थे, और फिर मैंने कहा नहीं जिमनास्टिक ही ठीक है, ठीक है, तो फिर जिमनास्टिक ही की। ये है कि क्रिकेट में फर्स्ट पोजीशन ली थी हमारी टीम ने, फिर मैंने सिर्फ एक साल खेला और फिर छोड़ दिया। सही सही, तो बिलाल वही बात कि इस तरह के प्लेयर्स तो फिर कहीं पीछे रह जाते हैं, बहुत पीछे रह जाते हैं, क्योंकि जब आपकी हुकूमत है, और खास तौर पे अब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं, और जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी अब आपने देखा है, वो यहाँ पे आए भी थे, वो एक
यंग हैं, वो खुद भी यंग हैं अभी, वो उनकी मेरे ख्याल से 29-30 की एज उनकी एज है, लेकिन वो खुद भी इतना नहीं कर सकते क्योंकि जो साबका हुकूमतें हैं उन्होंने जो स्पोर्ट्स के नाम पे इतना फंड लिया हुआ है, इतना फंड ज़ाया किया हुआ है। और मैं आपको सीरियस बात बताऊँ कि जितने भी फेडरेशंस के लोग हैं ना, उनमें जो ऊपर लेवल के हैं वही जाते हैं हमेशा, वही उसमें से खाते हैं, वही स्टूडेंट और ये जो प्लेयर्स हैं इन तक आते आते बहुत टाइम लग जाता है। एग्जैक्टली और ये बात तो वो हमारे शो पर भी कह के बहुत काम कर रहे हैं, बहुत सारी प्लानिंग्स हैं, बहुत सारे अपने कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज कराने हैं, अभी तो बाज़ाहिर हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा और वो ख़ुद भी नज़र नहीं आते हमें। तो 8 साल बाद पंजाब गेम्स इन्होंने करवाई, जो कि हर 2 साल बाद होना मस्ट है। फिर उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट गेम्स हैं, फिर उसके अलावा डिविजनल गेम्स हैं, फिर उसके अलावा आपकी जो हर तहसील में जाकर आपने टैलेंट तलाश करना है, उसमें सिर्फ एक गेम नहीं है, उसमें सारी गेम्स को आपने प्रमोट करना है, रोइंग को प्रमोट करना है, फेंसिंग को प्रमोट करना है, कराटे को प्रमोट करना है, तो ये सारी गेम्स को अगर साथ लेकर चलना है तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि फंड्स आपके पास होने चाहिए। अब ये जिस तरह का टैलेंट हमारे पास है, अगर इनको किसी अच्छे जिम में किसी अच्छे कोच के अंडर इनकी ट्रेनिंग की जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग इंटरनेशनल लेवल पे किसी से काम है बिल्कुल। और आपकी कोचिंग के लिए आपको कुछ ऐसे जिम वगैरह नहीं प्रोवाइड किए जाते? बिल्कुल भी नहीं। तो आप लोग प्रैक्टिस कहाँ करते हो? घर पे। और अगर कहीं पे ग्राउंड वगैरह हो तो वो तो वहाँ पे भी हम स्टार्ट कर जाते हैं, जहाँ पे अच्छी जगह मिले। ये कि किसी कोच की मुझे नहीं लगता कि जरूरत है, हम खुद ही दोनों कर लेते हैं। लेकिन प्रोफेशनल हेल्प तो बिलाल चाहिए होती है समटाइम्स। जी बिल्कुल। आप भी माँ कुछ करके दिखाएंगी वो हाथ? ठीक है, स्ट्रेचिंग वगैरह करके मैं स्ट्रेचिंग आपको करके दिखाती हूं। दोनों आ जाओ, चलो आप भी चली जाओ, आप भी चली जाओ इस तरफ। हेड मैंने कर दिया था तो दोनों कर लिया। आपको इसमें बॉडी पॉस्चर्स का और सबका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि बैक स्ट्रेट होना और सारा कुछ आ जाए दोनों जबरदस्त। तो ये तो इसके लिए अगर प्रोफेशनल हेल्प हो तो शायद ये बहुत इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके रिप्रेजेंट कर सकती है। बिल्कुल जा सकते हैं। और इस तरह के जो हैं गर्ल्स हैं हमारी, बहुत सी गर्ल्स हैं इस तरह की जो सिर्फ इस तरह इसलिए बैक ऑफ कर जाती हैं कि उनको ना कोई फेडरेशन सपोर्ट करती है, ना कोई उनकी डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट करती है। क्योंकि अब जो असल चीज़ है कि डिस्ट्रिक्ट से फंड जाता है डिविजनल लेवल पे, वहाँ से जाता है प्रोविंशियल लेवल पर, प्रोविंशियल से जाता है नेशनल लेवल पे। अब अगर ये नीचे लेवल पे ही नहीं फंड आना, बस ऊपर का ऊपर ही रह जाना है तो वो उन्हीं खिलाड़ियों को मिलना है जो जिन्होंने बाहर जाना है। आप हमारे पास यहाँ पे बहुत से प्लेयर्स हैं हम देखते हैं जो बाहर के मुल्क जाते हैं और जाके सिर्फ और सिर्फ वो इसी वजह से अपने पैसों पे जाते हैं। मैं कुछ ये भी जानना चाहूँगी कि अब आपके साथ जो लड़कियाँ हैं, या एज में भी ऑब्वियसली कैटेगरी डिवाइड होती है, आपको के साथ कितना बैच है लड़कियों का जो जिमनास्टिक के अंदर इन है? तकरीबन 8-9 तक है बस इतनी। और वो आपके साथ ही हैं और गेम्स में पार्टिसिपेशन करती हैं? बिल्कुल। ठीक हो गया। तो इंटरनेशनल प्लेयर्स को आप लोग फॉलो करती हैं किसी को? नहीं किसी को। तो कितना टाइम हुआ है आपको जिमनास्टिक करते हुए? 6-8 तकरीबन 5 ईयर्स हो गए। 5 ईयर्स हो गए हैं। तो अभी आपने सिर्फ पंजाब गेम्स में पार्टिसिपेट किया, कोई डोमेस्टिक? नहीं। तो डोमेस्टिक किस तरह के होते हैं कंपटीशन बिलाल? डोमेस्टिक कंपटीशन पिछले कई सालों से तो नहीं हुए, ये पंजाब गेम्स हुए, उसके बाद अब ये डिस्ट्रिक्ट गेम्स इन्होंने करवाई हैं, लेकिन उसमें अनफॉर्चुनेटली जिमनास्टिक का कोई रोल नहीं था। ये मुकाबले जो हैं ये हर एक सोसाइटी अपने तौर पे करवाते हैं, ठीक है। हर क्लब, एक क्लब है उसने अपने तौर पे करवा लिए, जो जो प्लेयर्स हुए उनको बुला लिया, या दो क्लब की एफिलिएशन हुई हुई आपस में तो उन्होंने एक को कहा कि यार आप अपने स्टूडेंट्स ले आए, मैं अपने स्टूडेंट्स ले आते हैं, कंपटीशन अरेंज करवा लेते हैं। तो गवर्नमेंट लेवल पे ऐसा कोई कंपटीशन नहीं हो रहा, ऐसा कोई कंपटीशन देखने को नहीं मिला। हमने देखा कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो अपनी डेली के लिए रुलते रहते हैं,
ठीक है, 550 रुपए डेली रखी हुई थी ये पंजाब गेम्स में, जो कि मेरे ख्याल से एक प्लेयर के लिए बहुत थोड़ा है, क्यों एक तो लाहौर में जो रहते हैं उनके लिए तो चलें कह सकते हैं, लेकिन जो आउटसाइडर्स हैं उसने 550 रुपए में अपने जो है वो खाने पीने का भी करना है, अपनी रिहाइश का भी करना है, रिहाइश भी कई लोगों को नहीं मिली सही तरह से, कोई सड़क पे सोने को सोते रहे हैं। हमने शायद इस चीज़ को हमने भी हाईलाइट किया, बहुत हाईलाइट किया था कि जो हमारे प्लेयर्स हैं, क्योंकि हम लोगों का काम है प्लेयर्स को अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड ताकि वो रिप्रेजेंट कर सकें, क्योंकि वही हमारे मुल्क के जो है वो मुस्तकबिल हैं, यही हमारे मुल्क का जो है फ्यूचर है, इन्होंने आगे जाके हमारे मुल्क की नुमाइंदगी करनी है। तो अगर और कोई आप इस तरह से करेंगे ट्रीट तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये बड़े अरसे दराज से इसी तरह ही है। अब ये जिस तरह से हमारे मुल्क में 11 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बनाए थे, अगर हर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो जिमनीजियम है उसमें ही अगर ये फैसिलिटीज़ खोल देते तो हमारे बहुत से खिलाड़ी जो हैं वो अपने अपने जो हल्के हैं, जैसे मेरा हल्का है, मैं वहाँ पे अपने स्पोर्ट्स जिमनेजियम में जाकर अपने वो कर सकते हैं, तो ये लोग घर की बजाय वहाँ जाएं तो ज़्यादा बेहतर, एक्सपोजर बढ़ता है। उसके अलावा क्योंकि अभी एक्सपोजर क्या भी लैक करता है। अच्छा जी, कोई छोटा छोटा मैसेज देना चाहे हमारे देखने वालों को? दोनों मिल के दे दें, कोई बात नहीं। नहीं अभी कोई मैसेज नहीं है क्या? कोई मैसेज बस ये कि ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स को जो है आप अहमियत दें इनको, और एक क्लब बनाए, जिमनास्टिक का एक क्लब बनाए जिसमें हर गर्ल्स जो है अपनी इजीली पार्टिसिपेट कर सकें, इजीली उसे परफॉर्म कर सकें। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच लेडीज, बहुत शुक्रिया, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका भी। इतना ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए जागो लाहौर। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। ब्रेक के बाद मैं हाजिर हो चुकी हूँ, मेरे साथ मेरी मेहमान भी आ चुके हैं। अभी हम ब्यूटी के हवाले से बात करते हैं और जब हम ट्रीटमेंट्स को मुख्तलिफ को डिस्कस करते हैं, तो आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सैरिश रियाज ने जो कि PMU स्पेशलिस्ट हैं, उनको वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर सैरिश, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इट्स प्लेजर। अच्छा डॉक्टर सैरिश, सबसे पहले तो हम PMU टर्म को डिफाइन करें कि PMU बेसिकली है क्या? PMU stands for micropigmentation, or in other words, it's permanent makeup. ठीक हो। When we talk about permanent makeup, उसमें सारी eyebrows, lips और इस तरह की मजे मजे की चीजें आ जाती हैं, और उसमें कुछ body areas भी आते हैं, उसमें इसको medical micropigmentation भी कहते हैं। जैसे अगर हम अगर breast cancer के patients की बात करें तो they lose their areolas, तो हम body parts उनके इस तरह से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और जब हम फेस की बात करते हैं तो हमारी इसमें आईब्रोज, हमारी लिप्स और हमारा एक हेयर स्कैल्प, जो आज हम हेयर फाइबर करके दिखाएंगे, तो वो भी इसकी एक सब ब्रांच में आता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर सैरिश, इसका चूंकि ट्रीटमेंट ऑब्वियसली कि अब पाकिस्तान में ज्यादा कॉमन होना शुरू हो गया, exactly. लेकिन बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, किस तरह का ट्रीटमेंट है, लॉन्ग लास्टिंग है, तो वो भी थोड़ा सा। बेसिकली जो राइट वर्ड है ना, दैट इज SPMU, सेमी परमानेंट मेकअप। सेमी परमानेंट मीन्स सिंस इट्स नॉट अ टैटू, so it's going to last for certain period of time, which is like 4 to 5 years. For example, if I'm making your eyebrows, so aap mein wo 3 years tak reh sakti hai, aapki agar koi sister hai to maybe unpe 2 saal tak reh sakti hai. Uski reason ye hoti hai ki har ek ki jo skin ki retention power hai pigment ko retain karne ki, that varies from patient to patient. Theek hai, ek to ye cheez hai. Secondly, aapne baat ki ek side effect, side effect tab aate hai when you are not using the certified pigments. एंड वेन यू आर नॉट ट्रेंड, आप उसको नीडल्स को और चीज़ों को हाइजीनिकली मतलब ट्रीट नहीं कर रहे, और आपकी कोई ट्रेनिंग नहीं है किसी इदारे से, और आपने बस देखा देखी शुरू कर दी है, सो देन इट कम्स विद द साइड इफेक्ट्स सिंस इट इन्वॉल्व्स नीडलिंग, और जब भी किसी चीज़ में नीडल्स इन्वॉल्व होती है यू नो, तो देर इज अ चांस ऑफ अ साइड इफेक्ट अगर आप उसको सही प्रोफेशनल से नहीं कराते। अदरवाइज दिस ट्रीटमेंट इज वेरी सेफ, और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से डायबिटिक भी इसको करा सकते हैं, उस तरह से कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, प्रेग्नेंट भी करा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर सैरिश, नॉर्मली इस तरह के ट्रीटमेंट्स में लोगों का एक होता है माइंडसेट कि अच्छा ये हम करवा तो रहे हैं लेकिन चूंकि हम प्रोफेशनल के पास नहीं है, हम पैसे बचा लें, हम इस तरह से चले जाएं, ऑब्वियसली इसमें वैक्स के पास जाना इज नॉट सेफ एट ऑल। एग्जैक्टली, और फिर उसकी वजह से चंद की वजह से पूरा एक इमेज भी डिस्टर्ब होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, और उसकी आई फील दिस फील्ड इज वेरी आर्टिस्टिक। ठीक है, मतलब अगर आपके अंदर एक अच्छी आर्टिस्टिक सेंस है तो तब आप उसको अपना एक कैनवस क्रिएट कर सकते हैं। आज जो हमारी मॉडल है इन पे ऑलरेडी हमने
परमानेंट आईब्रोज भी की हुई है. अच्छा. तो मतलब अगर मैं इनकी बिफोर पिक्चर आप अगर इनकी देखें, बिकॉज ये आती रहती है शोज पे भी या इनके पुराने शोज भी, आयशा जो है, तो आप देख सकते हैं कि इनकी लुक काफी इनहेंस हो चुकी है. मतलब उसमें और इसमें काफी सारा डिफरेंस है. अगर वही चीज, वही मैं जो बता रही हूँ, इट्स लाइक अ पेंटिंग. अगर आप थोड़ा सा भी डिफरेंस कर देते हैं, आप ये अगर पॉलर वाली भी प्लकिंग के दौरान भी थोड़ा डिफरेंस कर देते, तो आपके पूरे फेशियल, पूरा फेशियल एक्सप्रेशन मतलब खराब हो जाते हैं. यू जस्ट गेट पिस्ड ऑफ. सो इट इन्वॉल्व्स आर्टिस्टिक सेंस. ठीक हो गया. तो आयशा, वेलकम टू द शो. आयशा पे आज आप किस कौन सा ट्रीटमेंट करने वाली हैं और क्या? आयशा पे आज हम मेसोथेरेपी करेंगे. ठीक है. इट्स वन ऑफ द वंडरफुल ट्रीटमेंट. ओके, लवली. तो अब हम शुरू करते हैं इनका ट्रीटमेंट. साथ साथ डॉक्टर सेरी साहब मैं एक्सप्लेन करती जाती हूँ. ठीक हो गया. आ जाए आप इस तरफ. आ जाए आप, आ जाए इस तरफ. अच्छा, बेसिकली मीजोथेरेपी जो ट्रीटमेंट है, इट इन्वॉल्व्स इंजेक्शन ऑफ मल्टीपल नीडल्स इनटू द मीजोडर्म लेयर. मीजोडर्म लेयर हम मिडल लेयर ऑफ जो स्किन होती है उसको कहते हैं. ठीक है. अब इसमें इंजेक्शन किस चीज का लगता है? द वर्ड इंजेक्शन, इट फील्स पेनफुल. एग्जैक्टली. ठीक है. बट दिस प्रोसीजर इज नॉट पेनफुल एट ऑल. यू वुड सी हाउ हमने इनको नाम भी नहीं किया बेसिकली, बिकॉज दीज नीडल्स आर वेरी वेरी प्रिसाइज. अभी उन लोगों ने जो लेटेस्ट नीडल्स बना दिए हैं, इट्स काइंड ऑफ नैनो से भी बारीक कर दिए हैं. तो इवन इफ यू फील इट, आपको फील नहीं होगा. सो इट्स अ पेनलेस प्रोसीजर, पहली बात तो ये है. और दूसरी बात ये है क्योंकि जैसे आप ये देखो कि इसके अंदर ये सिरिंज आपको नजर आ रही है, सो वी हैव फिल्ड आउट द इंजेक्शन. आज आयशा के लिए वी हैव फिल्ड इट विद ऑर्गेनिक सिलिकॉन. समटाइम्स जो है हम इसको अपनी मर्जी का कॉकटेल जो है वो इन्फ्यूज करा सकते हैं, जो हम देखते हैं कि स्किन को रिजुविनेशन में क्या नीड है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पेशेंट मेरे पास आ रही है डिहाइड्रेटेड टाइप की स्किन की, तो आई विल इंजेक्ट हर विद हाइलुरोनिक एसिड. ठीक है. तो वो हाइड्रेट भी कर देगा, प्लम्प भी कर देगा, वॉल्यूम लॉस से तो वो भी जो है उसको पूरा कर देगा. अब आता है व्हाइटनिंग वाला इफेक्ट, तो वी विल इन्फ्यूज विद व्हाइटनिंग कॉकटेल्स जिसमें ग्लूटाथायोन है, एंटीऑक्सीडेंट्स और इस तरह की चीजें हैं. इसी तरह अगर हमारे पास एक्नी और बड़ी एक ऑयली टाइप की स्किन है, तो हम उसी के इंग्रेडिएंट्स को जो है या ग्रोथ फैक्टर्स को मिक्स करके उसको इन्फ्यूज करेंगे. ठीक हो गया. अच्छा डॉक्टर, डॉक्टर सेरिश, क्योंकि हम नॉर्मली जब हम बात कर रहे होते हैं इस तरह के ट्रीटमेंट्स की, तो ये जब इंजेक्शंस और साइड से पेनफुल का तो कहा जाता है, लेकिन इसके बाद कुछ एहतियात भी होती है कि आपको इस तरह से एहतियात करनी है अगर आपने ट्रीटमेंट? मेरा सिर्फ एक ही रूल है सारे पेशेंट्स को. अभी बल्कि आयशा के साथ ही मैं आ रही थी, तो मैंने आयशा को कहा, आयशा इफ यू वॉन्ट टू स्टे यंग प्लीज पुट ब्लाइंड्स इन योर कार. गाड़ी में जो है ना सूरज को गुड बाय कहना चाहिए. ठीक है. मतलब यहाँ पे तो वैसे भी मतलब सन एक्सपोजर इज द मेन कॉज. और फिर जब ये ट्रीटमेंट्स कराते हैं, तो फिर तो आपकी एहतियात जो प्रिकॉशन है वो और ज्यादा जरूरी हो जाती है. ठीक है. तो सन इज द और किसी भी तरह की क्रीम्स वगैरह आप इस्तेमाल, नॉर्मली जो आम रूटीन में आप आपकी स्किन केयर रूटीन है वो आप इसको यूज कर सकते हैं. SPF 30-50 आपने यूज करना है, नॉट मोर देन दैट. मैं अपने पेशेंट्स को रेकमेंड नहीं करती, मे बी सम डॉक्टर्स आर नॉट एग्री विद दिस, बट आई हैव सीन के मोर देन 60 SPF इट कॉजेज हाइपर पिगमेंटेशन, तो आपको टैन कर देता है. सो ट्राई टू बी रिमेन बिटवीन 30-50 SPF. सही है. ठीक है. सिंस आप लोगों ने हमें चेयर प्रोवाइड की है, तो वी आर ट्राइंग टू मेक इट, लेकिन अदरवाइज क्लिनिक में हम इसको थोड़ा सा पेशेंट इंक्लाइंड होता है बेड तो उस पे करते हैं. ठीक हो गया. आयशा आपको पेन हो रही है? अच्छा डॉक्टर सेरिश, अगर आप इस तरफ आ जाएंगी तो हम ये कैमरे से दिखा देंगे इनको, आयशा को, कि इनको जो ट्रीटमेंट हो रहा है. अच्छा, इस प्रोसीजर में इट्स कॉल्ड मीजोगन, इस डिवाइस को मीजोगन कहते हैं. ठीक है. हम डेप्थ भी कंट्रोल कर सकते हैं, हम टाइप ऑफ नीडल्स भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमने स्किन के अंदर कितने डीप लेके जाना है और कितना ऊपर रहना है, तो वी कैन जस्ट प्ले विद इट. ठीक हो गया. और अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऐसे की मशीन आ रही है, उनमें सारी चीजें मेरे ख्याल से बहुत सारी मॉडिफाई हो गई है. एग्जैक्टली. मतलब उसमें यही है कि आप नीडल सेलेक्ट भी कर सकते हो, आप अपना कॉकटेल भी चूज कर सकते हो. इसमें हेयर वाला ऑप्शन भी आता है, जैसे हेयर में PRP करते हैं या फेस पे PRP भी आप इसमें डाल के कर सकते हैं. ओके. ठीक है. सो मतलब वो सारे पेशेंट्स जो नीडल्स फोबिया है जिनको, सो आई कॉल देम फैंसी पेशेंट्स, दे आर सो फैंसी टू बियर पेन. एग्जैक्टली. तो उनके लिए दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन. अच्छा, जो आपने भी आयशा का बताया कि आईब्रोज आपने
कितना अरसा ये रुकेंगी? इट लास्ट फॉर 2 to 3 years. 2 to 3 years. एग्जैक्टली. ठीक हो गया. और इसकी कोई एहतियात होती है? नहीं, शुरू में ये होता है कि क्रस्ट ऑफ हो रही होती है. जब शुरू में कलर इज लिटिल बिट डार्कर, तो जब वो क्रस्ट ऑफ हो रही होती है तो आपने उस दौरान अपने खुद से नहीं छेड़ना अपनी स्किन को. तो जस्ट 4 to 5 days का वो हीलिंग टाइम होता है. उसके अलावा इसकी कोई प्रिकॉशन नहीं होती है. ठीक हो गया. डॉक्टर सईद हमारे साथ मौजूद हैं. आयशा पे ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन अभी हम एक ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद हाजिर होंगे. आप देखते रहिए जागो लाहौर. वेलकम बैक टू जागो लाहौर. ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं. डॉक्टर सईद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं. आयशा के फेस पे ग्लो लाने के लिए कुछ ट्रीटमेंट जारी है. आयशा, आपको बिल्कुल पेन नहीं हो रही, मैंने आयशा से ब्रेक में पूछ लिया था. डॉक्टर सईद, अभी आप कुछ फाइबर के हवाले से भी ट्रीटमेंट करने वाली हैं. Exactly. क्या है? अच्छा, फाइबर इज द न्यू टेक्निक इन ओवरऑल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में. पाकिस्तान में अभी आई हैव स्टार्टेड इट अ ईयर बैक. मैंने एक साल पहले इसको स्टार्ट किया था. ये उन पेशेंट्स के लिए देखें जो टॉपिक फाइबर यूज करते थे. बिल्कुल. ठीक है, जो गंजपन को छुपाने के लिए लड़कियां भी अपनी चौड़ी मांग के लिए वो लगा लेती होती थी, या जो लड़कों में तो आपको पता है एलोपेशिया और दिस इज सो कॉमन, तो वो भी अपनी शादियों पे या पार्टीज में दे आर ऑलवेज यूजिंग दिस टॉपिक फाइबर. अब उसका एक तो ये होता है कि जब जैसे ही वॉश होता है तो वो चला जाता है. सेकेंडली, समटाइम्स फेस पे गिर रहा होता है एंड दिस इज सो एम्बेरसिंग. सो वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द परमानेंट फाइबर. परमानेंट फाइबर में ये होता है कि आपको वो फाइबर लगाने से एक तो जान छूट जाती है, और दूसरा अगर आई हैव शेयर्ड सम पिक्चर्स बिफोर एंड आफ्टर. मैं अपने हर पेशेंट की ज्यादातर कंसेंट लेके पिक्चर शेयर कर रही होती हूँ अपनी सोशल मीडिया पेजेस पे, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे. तो अगर आप वहां पे ये पिक्चर्स देखें तो दिस इज ब्यूटिफुल. मतलब उनकी जो चौड़ी मांग है, एक तो वो पतली हो जाती है और इतना ये नेचुरल लगता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि वो मतलब हम सिमुलेट करते हैं हेयर फॉलिकल्स को. इट लुक्स लाइक योर ओन टाइनी हेयर. आपके अपने लगते हैं. तो वो स्पेशली जो अंदर से बिल्कुल एक गंजपन है उसको छुपाने के लिए, कवर करने के लिए दिस इज अ वंडरफुल ट्रीटमेंट. लवली लवली. तो अभी आप आयशा के ये ट्रीटमेंट करने वाले? आयशा बस हमें एक मॉडल मिली हुई है, तो आज फिर हम करते हैं सारी चीजें. अच्छा, एक फायदा इस ट्रीटमेंट का ये होता है कि सिंस वी आर डूइंग इट विद सम नीडल्स और हम हेयर फॉलिकल को टारगेट कर रहे होते हैं, तो आई कंबाइन इट विद सम PRP. ठीक है. तो उसमें ये होता है कि आपका हेयर री ग्रोथ, आपके नेचुरल बाल भी आते हैं. अच्छा. सो दिस इज नॉट ओनली अ कॉस्मेटिक प्रोसीजर बट वी कॉल इट लाइक क्लिनिकल ऑल्सो. लवली लवली लवली. ठीक है डॉक्टर सईद, साथ साथ ये भी करती रहे, डॉक्टर सईद आपको एक्सप्लेन भी करती जाएंगी कि क्या ट्रीटमेंट है. डॉक्टर सईद, इसके तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है? नहीं, कोई साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं है. सिर्फ फर्स्ट डे आपने अपने सर को जो है वो वॉश, हम कहते हैं ना करें, नेक्स्ट डे आपने अपने बालों को आप वॉश कर सकते हैं. ठीक हो गया. अच्छा डॉक्टर सईद, इसके साथ साथ जैसे अभी हाइड्रेटिंग ये जो ट्रीटमेंट आप कर रही थी हाइड्रेशन के लिए आयशा पर, फेशियल्स भी होते हैं जो ऑन एंड ऑफ खवातीन ले सकती हैं? जी बिल्कुल होते हैं. फेशियल्स पे जो है आजकल जो हम लोग कर रहे हैं अल्ट्रासोनिक इज वेरी पॉपुलर. ठीक है, मुझे ऑन कर दे. अल्ट्रासोनिक इज वेरी पॉपुलर क्योंकि अगेन सबका लिफ्टिंग और इस तरह के कंसर्न्स होते हैं, और अल्ट्रासोनिक जो डिवाइस है बेसिकली वो पील ऑफ कर देता है. डिवाइस जो है वो स्किन की पीलिंग करता है बेसिकली. ठीक है. उसके बाद फिर उसी डिवाइस के अंदर जो है वो स्कैनर है जो आपको बता देगा कि आपकी स्किन के अंदर पोर्स का क्या साइज है, रिंकल्स कितने हैं और कितने परसेंटेज में आपकी स्किन अच्छी है. सही है. और थर्ड उसका फायदा ये है कि उसके अंदर न्यूट्रिशन मोड भी है. न्यूट्रिशन मोड के अंदर ये होता है कि वही डिवाइस जो है वो आपके अंदर जो भी आप सीरम लगाओ, चाहे विटामिन सी है या कोई आपका वाइटनिंग कोई और चीज है, तो वो एब्जॉर्ब भी कराता है. तो दैट हैज काइंड ऑफ इंस्टेंट ग्लो, सो इट्स कॉल्ड आर्टिफिशियल. ठीक है. अच्छा डॉक्टर आयशा, अगर आप लेफ्ट साइड से इसको स्टार्ट कर लेंगी दैट विल बी मोर इजी कि हम इसको अपने नाज़रीन को दिखा सकें. और अगर ये चेयर थोड़ी सी नीचे हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है. ये नीचे आयशा आपके साइड पे, मैं बल्कि आके हाँ यहाँ से आपकी ये चेयर नीचे. ठीक है. Okay. अच्छा, वो सारी फीमेल्स जिनको हेयर थिनिंग का इशू है उनके लिए बहुत अच्छा है ये ट्रीटमेंट. अच्छा है ये उनके लिए ट्रीटमेंट. एग्जैक्टली. तो इट लुक्स नेचुरल. शुरू में फर्स्ट डे जैसे हेयर डाई होता है ना, आपको थोड़ा थोड़ा डार्क लगता है, उस तरह आपको डॉट्स थोड़े से फर्स्ट 2 days डार्क लगेंगे, बट आफ्टर 2-3 days इट विल बी वेरी नॉर्मल. और ये कितने देर लास्ट करेगा? 5 years. 5 years. परफेक्ट. और अगर इस पे जो खवातीन डाई अप्लाई करती हैं? कोई मसला नहीं है. कोई मसला नहीं है. इट्स ऑल ओके. ये तो बड़ा अच्छा. और ये आपने देखा है
समटाइम्स हेयर थिनिंग लड़कियों को शुरू से बहुत ज्यादा होती है और पोनी नहीं बना सकती. अभी मेरी पेशेंट्स कहती हैं थैंक्स टू यू के वी आर नाउ वी कैन मेक पोनी टेल. यहाँ पे अक्सर लोगों के मेरे अपने भी प्रॉब्लम होते हैं कि आप जब पोनी कर रहे होते हैं तो यहाँ पे बाल कम लग रहे होते हैं. एग्जैक्टली, तो उसके लिए बड़ा अच्छा है, आप उसको डेंस कर सकते हैं. लवली. ये आपका कैमरा फोकस कर सकता है इसको? बिल्कुल कर रहा है हमारा कैमरा फोकस इसको. अब बल्कि इसके अलावा हाइड्रा फेशियल इज वेरी कॉमन, लेकिन अगेन देखिए फेशियल जो है अपने एक्निक स्किन जो जब आपको पिंपल्स निकले हुए, मैं हमेशा कहती हूँ पेशेंट्स को डोंट गो फॉर द फेशियल्स. देर इज नो फेशियल फॉर एक्नी. एग्जैक्ट, ठीक है. एक्नी इज अ डिजीज जिसको आपने दूसरी तरह टॉपिकल एंड ऑरल मेडिसिन के साथ कंट्रोल करना है. आप उसके लिए फेशियल्स बिल्कुल मत कराएं. आई डोंट रिकमेंड, वो एग्रेवेट हो जाएगी. एग्जैक्टली, पहले आप उसको ट्रीट कराए. हाँ, अगर आपकी ऑयली स्किन है, ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स है, देन यू कैन गो फॉर द हाइड्रा फेशियल. सही हो गया. मीजोथेरेपी क्योंकि चेंज होके घर जाएंगी मुझे लग रहा है. आपके कई फर्क से मैं बता रही थी कि जैसे मीजोथेरेपी है, मीजोथेरेपी के अंदर भी सेशंस होते हैं. और देखिए कोई भी एक सिंगल ट्रीटमेंट इज नॉट एक्सेप्ट आई थिंक आईब्रोज एंड लिप्स. ये वन गो ट्रीटमेंट है जिसमें आप वाओ वाले रिजल्ट्स कह सकते हैं जो कि इंस्टेंट ड्रामेटिक चेंजेस है. इसके अलावा जो स्किन रिजुविनेशन के ट्रीटमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो यू नीड टू गो फॉर द कोर्स. ठीक है, आपको उसके 3-5 सेशंस कराने होते हैं. बिल्कुल, शुरू में जो होता है इसमें ट्वाइस अ मंथ, फिर वन मंथ अपार्ट मीजोथेरेपी में. ठीक, और इसकी कितनी सेटिंग्स होती हैं इस ट्रीटमेंट? वन और टू. यस, इट्स ऑल डन. और इसके बाद ये 5 ईयर तक लास्ट करता है. जबरदस्त. अच्छा डॉक्टर सईद, समटाइम्स खवातीन के जो कुछ एज के साथ साथ भी फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है, और इसके बाद हेयर फॉल भी कंट्रोल होता है कुछ हद तक, क्या उसके लिए अलग से ट्रीटमेंट? मैं आपको यही बता रही थी कि मैंने अभी जो है क्योंकि एक साल पहले इसको स्टार्ट किया है, अभी बाहर भी ये ट्रीटमेंट न्यू है, तो इसको मैं कम्बाइन करती हूँ विद PRP. लाइक आई एम इंजेक्टिंग, आई एम मेकिंग दीज फॉलिकल्स एंड देन आई एम इंजेक्टिंग PRP सोल्यूशन. तो ऑफकोर्स PRP से आपको पता है हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए होता है. ठीक हो गया. तो आयशा, आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है? ओके, तो फिर मेरे ख्याल से आयशा से हम नेक्स्ट टाइम पूछेंगे जब आयशा आएंगे हमारे शो पे, तो आयशा जानेंगे कि आयशा को हेयर फॉल का सोल्यूशन मिला है. आयशा की मैं दो सेशन इसके साथ PRP के भी कर दूंगी क्लिनिक में ना, ताकि उनका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाए. पर डॉक्टर सईद, इसके बाद कोई स्वेलिंग कुछ तरह किसी भी तरह का कोई डाउन टाइम नहीं है? कोई डाउन टाइम नहीं है, नो स्वेलिंग. आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि आपने ये तो पता चले, इम्प्रूव तो ऑफ कोर्स आप होंगे, लेकिन उसका डाउन टाइम नहीं होगा. घर वालों को नहीं पता चलेगा कुछ करा के आएगा. बस सही है, बेहतरीन है. अच्छा, आप नाम बताना चाहे तो कोई बात नहीं, टीवी अगर किसी ने नहीं देखा तो किसी को नहीं पता लगेगा. ठीक हो गया. डॉक्टर सईद, समटाइम्स फेशियल्स के लिए खवातीन बहुत ज्यादा भी टाइम स्पेस गैप देती हैं, कुछ बहुत जल्दी जल्दी कराती हैं, आइडियल सिचुएशन क्या है? अच्छा, जो इट डिपेंड्स ऑन योर स्किन टाइप. ठीक है, अब मैं जो बेसिकली अपने पेशेंट्स को बुलाती हूँ थ्री वीक्स अपार्ट. बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, बट मेरा ख्याल से एक महीना 3 वीक्स देना चाहिए स्किन को. डोंट गो फॉर ओवर क्लिनजिंग. मैंने अभी रिसेंटली कल परसों एक पेशेंट से पूछा कि मेरी जरूर आदत होती है, आई ऑलवेज आस्क कि आपकी स्किन रिजीम क्या है. ठीक है, तो कहती है जो बॉडी लोशन होता है मैं उससे फेस की क्लिनजिंग भी कर लेती हूँ. सो इस तरह की चीजें आपने नहीं करनी, ओवर क्लिनजिंग भी नहीं करनी. जो ओवर क्लिनजिंग आप करते हैं तो आपका जो नेचुरल स्किन बैरियर है उसी को आप एग्रेवेट कर देते हैं ना, आप उसको यू मेक इट मोर प्रोन टुवर्ड्स सेंसिटिविटी. तो आपने वो जो एक नेचुरल बैरियर जो प्रोटेक्शन के लिए भी ऑयल है उसको खत्म नहीं करना आपके स्किन से. डॉक्टर सईद, इस हवाले से ट्रीटमेंट्स के हवाले से कोई मिसकंसेप्शन जो आपको लगता है एज अ डॉक्टर आपको फेस करने पड़ते हैं जब आपके पेशेंट्स आते हैं, वो आप क्लियर करना चाहें? उसमें सबसे ज्यादा तो यही है जब वो बहुत ज्यादा वो कर रहे होते हैं कि वाइटनिंग टैबलेट्स खा लें तो हम वाइट हो जाएंगे. गोरापन का एक पूरा कॉम्प्लेक्स है एक सोसाइटी के अंदर. तो आई वुड से कि कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप मतलब खा लेंगे और आपका कॉम्प्लेक्शन 2-3 टोन्स लाइटर हो जाएगा. आई ऑलवेज रिकमेंड देम टू गो फॉर द सर्टेन पील्स, वो भी अंडर सुपरविजन, खुद से नहीं वो सारी चीजें करनी. ठीक है, एक तो ये है, और दूसरा अभी वही जो बात प्रोडक्ट्स की थी, आपने खुद से नहीं सिलेक्ट कर लेने,
अपने बॉडी क्लिनजर्स को या अपने बॉडी लोशंस को अपने फेस पे इस तरह से यूज नहीं करना, मतलब ट्राई टू यूज द राइट प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप. यहाँ हम एक टिप दे सकते हैं इनको कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप थोड़ा ट्रांसपेरेंट और जेल बेस्ड क्लिनजर यूज करेंगे. इसी तरह आपका सन ब्लॉक भी ऑयल फ्री या पाउडर फॉर्म में सन ब्लॉक्स आ गए, स्प्रे फॉर्म में है जो ऑयली स्किन वाले हैं वो यूज करेंगे. अगर आपकी स्किन ड्राई है तो थोड़ा सा आप ग्लिसरीन बेस्ड या थोड़ा मॉइस्चर बेस्ड क्रीम बेस्ड के क्लिंजर्स या फेस वॉश यूज करेंगे. क्लिंजर और फेस वॉश एक ही चीज है, ठीक है, इसको आपने कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना. और आपने दो दफा फेस वॉश इज अनफ, ठीक है. अगेन वो भी थोड़ा सा यही आपकी मेकअप रूटीन, आपका लाइफ स्टाइल, आपका पॉल्यूशन एक्सपोजर कितना है. और थर्ड जो, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो तब आपने एक टर्म देखनी है, प्रोडक्ट्स पे लिखा होना चाहिए हाइपो एलर्जेनिक, ठीक है. तो आप थोड़ा सा वो सेंसिटिव वाले जो है वो मैं इनको हमेशा यही रिकमेंड करती हूँ कि आप वेदर के अकॉर्डिंग आपकी स्किन चेंज होती है तो आप हर मौसम में एक दफा जाके अपने नियर बाय क्लिनिक से एक रेजीम ले लिया करें तो वो ज्यादा बेहतर है. सो यू एंड योर डॉक्टर बोथ आर सेफ. और अगेन स्ट्रेस इज यू नो अ बिग फैक्टर आजकल बूढ़ा करने में, आपकी स्किन, बाल, हर चीज इफेक्ट होती है. सो ट्राई टू रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल, टेक हेल्दी फूड, विटामिंस और फिर अच्छे जो आपके प्रोडक्ट्स हैं एंड अलॉन्ग विद दीज कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स टू स्टे यंग, बिकॉज एजिंग इज अ ऑन गोइंग प्रोसीजर प्रोसेस और आप उसको इट्स इनएविटेबल, आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते. तो आपने उसके साथ कोप करना है बेसिकली. सो इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल रादर ये कि सिर्फ आप ये कहें कि एक या दो ट्रीटमेंट करा लिए एंड आई शुड स्टे. क्योंकि देखिए आजकल मार्केटिंग की वजह से कुछ ये रिकमेंड करते हैं कि आप एक दफा ये करा लेंगे ट्रीटमेंट, पांच साल तक जो है आप जवान रहेंगे. चलें जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सरेश, विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक. और आयशा आपसे हम डायरेक्ट फीडबैक लेंगे. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सरेश. अच्छा जी, हम आपसे इजाजत लेते हैं, आपसे हमारी मुलाकात होगी मंडे को. फीडबैक के लिए हमारा फेसबुक पेज है. मंडे तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़.